हाँ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर में जो वर्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है ये तो आप लोग देख लिए, और तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को ये आज़ादी नहीं है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर चुनते, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, उसको आज़ादी नहीं है। वो प्रेसिडेंट, क्योंकि लैंग्वेज कुछ है, लैंग्वेज कुछ और है, उसमें हम अभी उधर नहीं जा रहे कि एक्चुअली लैंग्वेज समझा पाए, आप पहले पॉइंट समझिए बाद में लैंग्वेज समझा देंगे। कि वो उसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जिसको लोकसभा में मेजोरिटी है, जिसको उस पार्टी का लीडर है, लैंग्वेज थोड़ा और चेंज कर, उस पार्टी का लीडर को वो अपॉइंट करेगा एज प्राइम मिनिस्टर, जो जिसको लोकसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी जिस पार्टी को है, उसका लीडर को। जब कभी भी इलेक्शन होता है लोकसभा का, राज्यसभा का तो आपको पता है इलेक्शन बीच बीच में होते रहता है, हर 5 साल में, अगर इसके पहले लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो गई हो तो हर 5 साल में इलेक्शन होता है। इधर में 2014 में हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ, उसके पहले भी 10 साल का गैप रहा है, लगातार सरकार चली है, तो इसका मतलब 2009 में हुआ होगा और 2004 में हुआ होगा, ये हमारा तो 5-5 साल का चल ही रहा है। तो जब कभी भी इलेक्शन होता है तो जो पार्टी के एमपी होते हैं लोकसभा के इलेक्शन के बाद, वो एक मीटिंग करते हैं, ठीक। मीटिंग करने के बाद वो अपना एक लीडर चुनते हैं, हर पार्टी एक लीडर चुनती है, तो उसका जो पार्टी के एमपी चुनते हैं, पार्टी के एमपी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले से थ्योरेटिकली लोगों को पता नहीं होता है, थ्योरेटिकली पता नहीं होता है कि हम जब वोट कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, नहीं पता होता है थ्योरेटिकली। अगर बोला भी जा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार, अगर बोला भी जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज रॉन्ग, ठीक। अब बोल सकते हैं अब की बार बीजेपी सरकार, अगर बोलना है तो अब की बार कांग्रेस सरकार बोल दीजिए, क्योंकि तब क्या है कि आप उस पार्टी को मेजोरिटी में देखना चाह रहे हैं। अब वो पार्टी में जो लोग चुन के जाएंगे, वो लोग किसको लीडर चुनेंगे, जिसको चुन देंगे वही जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेजोरिटी पार्टी। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि बीजेपी का इंटरनल मामला था, इंटरनल मामला था तो पैसे डिक्लेयर कर दिए थे कि हम इन्हीं को चुनेंगे, लेकिन समस्याएँ वहाँ पर हो सकती हैं, वहाँ पे उस तरह से सोचने से। क्यों? अगर वो इलेक्शन बनारस से हार जाते, हाँ हार एमपी ही नहीं रहते, तब क्या वो मोदी सरकार बनती? हाँ बन सकती थी, लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ्स। हाँ 6 मंथ के बाद भी अगर इलेक्शन नहीं जीत पाते, जैसे 6 मंथ के अंदर, तो वो नहीं बन पाते, ठीक। तो इसलिए इंडिया जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं फॉलो करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही मस्ट बी और सी मस्ट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा, तभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक। हमारे केस में वो लोकसभा का मेंबर है, लेकिन इन दिनों वो राज्यसभा का मेंबर होता था। प्राइम मिनिस्टर जो है, एक बार इंदिरा गांधी भी, मनमोहन सिंह तब लोग जान ही रहे हैं, ये लोग राज्यसभा के मेंबर होते थे, ठीक। राज्यसभा में चाहे आप चुन के जाएं या लोकसभा में जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आपको लोकसभा का सपोर्ट होना चाहिए। आप मेंबर कहाँ के हैं मैटर करता है, मेंबर है, लेकिन आपको लोकसभा में सपोर्ट होना चाहिए, यानी आधे से ज़्यादा लोगों का आपको सपोर्ट होना चाहिए, ठीक।
मनमोहन सिंह भले ही राज्यसभा का मेंबर रहे हो, लेकिन लोकसभा में आकर के जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने होंगे उसके ठीक बाद, कुछ दिनों बाद, महीना भर के अंदर वो आकर के एक मोशन लाएंगे। दैट मोशन इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसमें समझिए आप, ऐसा लिखा हुआ होगा कि इस हाउस को मेरी सरकार पे कॉन्फिडेंस है, ठीक, आप लोग मुझ पे, मेरी सरकार पे भरोसा करते हैं, और आधे से ज्यादा लोग, मोर देन हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, अभी टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, नॉट टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से ज्यादा अगर उस मोशन का समर्थन में वोट कर दे तो वो सरकार चलती है। मेंबरशिप था राज्यसभा का, लेकिन बोलने गए कि क्या आप लोगों को मेरे पर भरोसा है, ये लोकसभा में गए। एक तो प्रेसिडेंट जो है, ये प्रेसिडेंट को पहला बात बता दिए, हम वो बात बोल ही रहे थे कि हम क्लारीफाई करेंगे कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर पावरलेस है, यहीं से शुरू हो जाते। मेन मुद्दा तो 74 नंबर आर्टिकल में आएगा कि यस अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसको डिस्क्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक, अगर किसी पार्टी को 273, एक कैलकुलेशन आता है ना, 273 सीट मिल गए तो प्रेसिडेंट फोर्स्ड है, बाध्य है कि वो पार्टी जिसको बोले उसको प्राइम मिनिस्टर बुला के शपथ दिलवा दे, बस, और कुछ भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि आखिरकार वो प्रधानमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा वो लोकसभा ही डिसाइड करेगा। तो क्या प्रेसिडेंट को कभी डिस्क्रिशन मिलेगा? हाँ, मिल सकता है, कहीं कहीं प्रेसिडेंट को कभी कभी को भी, हर प्रेसिडेंट को नहीं, किस्मत अच्छा रहा उसका अपना तो उसको मौका लग जाएगा, ठीक, कि कुछ तो किए, तो कुछ किए कैसे, हंग पार्लियामेंट आ जाए, हंग लोकसभा आ जाए, 200 सीट बीजेपी को मिल गया, 150 सीट मिल गया हमारा कांग्रेस को, अब बीजेपी कांग्रेस और मिला जुला करके भी ले लिए 200 सीट, सब बाकी सब लगभग कर दिए, 195 कर देते हैं, ठीक, 193 कर देते हैं। अदर्स, इस केस में प्रेसिडेंट को थोड़ा सा डिस्क्रिशन मिल जाएगा। डिस्क्रिशन क्या मिलेगा, कि देख ही रहा है कि कोई पार्टी भी अगर उनको बोलती है कि हम मेरा प्रधानमंत्री बनाओ, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी उस पोजीशन में नहीं है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना असेसमेंट कर सकता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाने से लोकसभा में विश्वास हासिल कर लेगा। एक नॉर्म्स ऐसे है कि इन जनरल ऐसा हालत में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको मौका दिया जाता है, या फिर वो जो सबसे बड़ा कोलिशन है, कोलिशन का मतलब हो गया इसमें से भी कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रीपोल, तो भी वो उनको ही बुला सकता है, या पोस्टपोल कोलिशन, इलेक्शन तो अलग अलग लड़े थे लेकिन अब साथ में खड़े हैं तो भी बुला सकता है। कई बार ऐसे हालतों में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो परेड कराते हैं, मतलब कराते नहीं है, किया जाता, पॉलिटिकल पार्टियां कराती हैं। वो क्या करती है, अपना तो मेंबर को लाएगी ही लाएगी, प्लस निर्दलीय वगैरह जो है इंडिपेंडेंट्स उनको लेकर के आएगी, प्रेसिडेंट दिखाए कि देखिए ये लोग हमारे साथ में है, प्रेसिडेंट इंश्योर कर लेगा कि कोई फोर्सफुली नहीं आया हुआ है मेरे पास में, तो वो उसके बाद उस पार्टी को बोल सकता है ठीक है तुम सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद प्राइम मिनिस्टर शपथ ले लेगा और उसको एक महीने के अंदर का टाइम दिया जाएगा कि आप ये प्रूव कीजिए कि लोकसभा हैज कॉन्फिडेंस ऑन यू। तो प्रधानमंत्री एक महीना के अंदर लाएंगे, अगर मिल गया कॉन्फिडेंस तो कंटिन्यू करेंगे, और नहीं मिला तो रिजाइन करेंगे। ठीक, तो वो ऐसा केस जैसे एक बार हुआ था वीपी सिंह के समय में वो लोकसभा में जो आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो हाउस में हार गए थे, हाउस में। ठीक, ऐसे जनरली कम होता है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना वो पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम जाएंगे लोकसभा में, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो पहले ही रिजाइन दे देते हैं जा करके।
यहाँ पर हाउस तक फाइट करने वाले कम लोग हैं। जैसे बीपी सिंह के समय वाइट फाइट हुआ था, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी रिजाइन कर दिए थे उससे पहले ही, क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है इस तरह से होता है। अच्छा, अब उस हालत में बताएं कि इस तरह का हंग असेंबली में, हंग पार्लियामेंट में, हंग लोकसभा में ये पहला बार जो हुआ था 1979 में, नीलम संजीवा रेड्डी अपना डिस्क्रिप्शन का यूज किए थे। मुरारजी देसाई सरकार गिर गई थी और उस समय चरण सिंह को वो प्राइम मिनिस्टर बनाए थे। ठीक, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही थे, मतलब हंग किसी को 273 नहीं पहुँच रहा था। ठीक, एक बताया कब हंग में, दूसरा कब मौका लग सकता है, जब इंकुमबेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, जो अभी है, उसका डेथ हो जाए। डेथ होने के बाद, हम पहले आपको बताए थे, देखिए एक बात और भी है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति तुरंत ही किसी न किसी को बनाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर रहेगा ही नहीं तो वो किसका सलाह, तो वो किसी ना किसी को बनाएगा। और जब किसी का डेथ हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं दीपक, जब डेथ हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, तो एक्चुअली कौन डिसाइड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा अगला? लेकिन लोकसभा। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और ट्यूनिंग कर रहे हैं, जो भी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था वो पार्टी डिसाइड करेगी, क्योंकि वही तो सपोर्ट करेगी। तो पार्टी का मीटिंग होगा, मीटिंग में नया लीडर चुना जाएगा और उसके बाद वो फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर रह जाएगा। लेकिन जब तक मीटिंग होगा, जब तक नया लीडर वो चुनेंगे, तब तक क्या, तो इस केस में क्या करेगा, किसी को भी वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक, तो ये दो बार इस तरह की घटनाएं हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ तो इसके बाद अब कांग्रेस का पार्टी का मीटिंग होगा, नया लीडर चुना जाएगा, तो इस दौरान में जो प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन, ये गुलजारी लाल नंदा को एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चुने, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने। तो बातें कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ 64 में डेथ हुआ, तो गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनना तो पड़ेगा किसी को। उसके बाद क्या हुआ होगा आप सोच सकते हैं, इसके बाद कांग्रेस का पार्टी का मीटिंग हुआ होगा और मीटिंग में वो नया लीडर चुने होंगे, या तो गुलजारी लाल नंदा को चुन देते या किसी और को चुनते। ठीक, तो ये लोग चुने लाल बहादुर शास्त्री को, तो गुलजारी लाल नंदा चूंकि वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे, उसलिए वो चुना गया था, चुनने के कारण था। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, नॉट एक्टिंग प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, अब हुआ ये कि लाल बहादुर शास्त्री का भी डेथ हो गया। ठीक, 65 में डेथ हुआ, तो फिर राधाकृष्ण को फिर वाला मौका लगा, तो फिर गुलजारी लाल को फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर पार्टी का मीटिंग हुआ और पार्टी मीटिंग में बोला कि नहीं इंदिरा गांधी बनेगी, तो फिर गुलजारी नंदा एक्टिंग से गए और प्राइम मिनिस्टर हुई इंदिरा गांधी। ठीक, तो ये उस समय भी हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह के इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, आपको पता है इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, तो ये उनको पता है, उनका बॉडी गार्ड गोली मार दी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, उस समय खालिस्तान का पूरा मतलब खालिस्तान का डिमांड पंजाब में चल रहा था और उसके पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। हाँ, तो ये सब कुछ रीजंस थे कि इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया गया। तो उसके उस टाइम में ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए, नॉट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिए। लेकिन सूरज, लेकिन क्या ये गड़बड़ भी हो सकता था, राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया? नहीं। आमर कैसे? मेजॉरिटी पार्टी के, मतलब कांग्रेस पार्टी अपना मीटिंग करके बोलती कि राजीव गांधी हमारा लीडर नहीं है। नहीं,
कोई और हमारा लीडर है, तो ऐसे हालत में राजीव गांधी को रिजाइन करना पड़ता। लेकिन कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में राजीव गांधी को अपना लीडर मान लिया गया, इसीलिए चल गया। यानी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने रहे, लेकिन वो हट भी सकते थे, जैसे उस केस में हटे, गुलजार अली नंदा को दोनों बार ही हटना पड़ा। ठीक, तो ये जो है, ये कभी कभी जो है डिस्क्रिशन मिल जाता है। अगला बात कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दो जगह पे बता रहे हैं कि क्वेश्चन ये उठा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेने से पहले, क्या प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेने से पहले क्या कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा या प्रूफ, मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा लोकसभा में। तो सुप्रीम कोर्ट का 1980 में फैसला आया है नो, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी को बना सकता है और उसके बाद उसको टाइम देगा कि इतना दिन में अपना मेजोरिटी प्रूफ करो, मेजोरिटी इन लोकसभा, लोकसभा में मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। एक यानी कि इसका मतलब हम लोग ये समझे कि पहले जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसको बोल दे कि एक्सेप्टेड है, वो प्राइम मिनिस्टर पहले बन जाएगा। पॉइंट नंबर टू जो क्लैरिफाई की, एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, नहीं, वही पर्सन मिनिस्टर बन सकता है जो संसद का सदस्य हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और अगर नहीं हो तो पोस्ट होल्ड करने के 6 मंथ के अंदर वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाए, लोकसभा या राज्यसभा। तो सवाल ये भी उठा है कि आप प्राइम मिनिस्टर पे लागू है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक, कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन पाएगा यदि वो दोनों में से किसी हाउस का मेंबर, ये सवाल उठा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वैलिड है। मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको दोनों हाउस का मेंबर होगा तभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा, या 6 महीना का जो कॉरिडोर आप दे रहे हैं उसको अवेलेबल है प्राइम मिनिस्टर को। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ये 1997 में कि जो शर्त मिनिस्टर्स के लिए लिखा हुआ है वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। यानी प्राइम मिनिस्टर वैसा आदमी बन सकता है जो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो। ठीक, दोनों में से किसी हाउस का मेंबर नहीं हो, लेकिन फिर शर्त ये आ जाएंगे कि उसको 6 महीना के अंदर दोनों में से किसी भी हाउस का सदस्यता लेना पड़ेगा। ब्रिटेन से हम लोग यहाँ पर अलग हैं, हम लोग का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो ब्रिटेन का डेमोक्रेसी है, वहीं से मॉडल किए हुए हैं। तो हमारा वहाँ से फ़र्क ये है कि ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए। ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होना चाहिए। हाँ, वो जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर अगर है तो वो पीएम नहीं बन सकता। वहाँ पर दो हाउसेज है, वहाँ के लोअर हाउस को बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और अमेरिका में क्या बोलते हैं सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस और सीनेट हो गया अपर हाउस। तो ब्रिटेन में क्या हालत है, ब्रिटेन में लोअर हाउस का मेंबर ही, लोअर हाउस का मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या इंडिया में लोअर या अपर दोनों हाउस के मेंबर बन सकते हैं। आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी भी ऐसे बनी है और मनमोहन सिंह भी ऐसे ही बने हैं। ठीक, तो आगे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है, अब लैंग्वेजेज कुछ है उसमें आपको समझना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि हिंदी में बोलते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, प्रसाद पर्यंत। यानी इसका मतलब ये है, टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है, मतलब ये निकलता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, मतलब निकलता है नहीं।
ठीक, रियलिटी कुछ और है, मतलब निकल रहा है कि प्लेजर प्रेसिडेंट मतलब कि जब चाहे हटा सकता है, लेकिन हम बता ही दिए कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास हासिल है, रियलिटी में वो उसको नहीं हटा सकता। तो कब हटाएगा, आखिरकार लिखा क्यों है? अगर वो लोकसभा में हार जाता है और फिर भी रिजाइन नहीं करता है, हो ही सकता है सिचुएशन, ठीक, ऐसा कोई बेइज्जती वाला काम नहीं करेगा कि लोकसभा में हार भी जाए और उसके बाद भी बोलता है हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो इसमें प्रेसिडेंट को अथॉरिटी है कि वो उसको डिसमिस कर सकता है, क्योंकि ही होल्ड्स ऑफिस टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जनरली कन्फिडेंस मोशन से पहले ही रिजाइन कर देते हैं अगर उनका हारना होता है तो, और अगर थोड़ा और थोड़ा कड़े है तो एक बार फेस करके आएंगे, वहाँ हार जाएंगे तो दे देंगे। ठीक, तो खैर लैंग्वेज है कि टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, रिपीट करके बता दे रहे हैं, दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक, वो हम पहले ही बताए कि लोग पहुंच जाते राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री कंप्लेन करने के लिए, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास हासिल है। वो और भी बात, हटाए भी नहीं वही अच्छा है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक पर्सन जिसको हम लोग नहीं चुने हैं, हम जिसको चुन के भेजे उसको हटा दें। ठीक, और डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये खैर ये होने वाला है नहीं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, दो लोग का नाम ले रहे हैं, बीपी सिंह 1990 में और देवगौड़ा 1997 में। ये लोग दोनों जो थे वो हाउस में हारे थे, यानी कि इनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो पास हो गया था। ठीक, और बाकी हम बताए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का बताए, ये पहले ही रिजाइन कर दिए थे। तो अब प्राइम मिनिस्टर का सैलरी कौन डिसाइड करता है? यस, पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेज। पावर देख लेते हैं, अब आप समझ जाइएगा। तो हम बोल रहे हैं कि वो जो होगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, अच्छा इसको थोड़ा सा सीक्वेंस समझ लीजिए, वापस आते हैं। इलेक्शन हो गया, एक पर्सन जो होगा वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और बोलेगा कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि हम मेजोरिटी पार्टी का लीडर हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो है प्रेसिडेंट का चाहेगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि हम मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, तो उसको शपथ दिलवा देगा अगर उसको लगता है कि मेजोरिटी पार्टी का लीडर है। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का प्रेसिडेंट किया, एक तरह से अपना मर्जी से ही किया कि उसके पास आया था किया, लेकिन अब यहां से प्रेसिडेंट काम रुक जाता है। यहां से आगे जो भी लोग मिनिस्टर बनेंगे, मैं समथिंग कुछ भी भारत के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ, ये जो लोग आएंगे जिनको प्रेसिडेंट शपथ दिलवाएगा, ये लोग प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही आएंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि किसको किसको मंत्री बनाना है, किसको पोर्टफोलियो क्या देना है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन सा मिनिस्ट्री देना है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। ठीक, यानी एक बार प्रधानमंत्री अपॉइंट हो गया तो राष्ट्रपति अब ये सारा काम जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करेगा। नया मंत्री बनाना है तो वही लिस्ट पकड़ा देगा कि ये पर्सन जो होगा वो मिनिस्टर बनेंगे। ठीक, तो ये प्रेसिडेंट, तो इसका आप समझ ही गए कि प्रेसिडेंट को ये भी हक नहीं है कि वो मंत्री अपना मन से बना दे, बस प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री के बाद सब कुछ। फिर क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग उसका हेड होगा, ये सब क्लियर बात है। जब भी कैबिनेट का मीटिंग होगा तो उसका हेड होगा। और जब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो सरकार गिर जाती है। इसका मतलब है कि अगर 70 मिनिस्टर रहे हो और एक प्राइम मिनिस्टर रहा हो, तो प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन करते ही 70 के 70 का मिनिस्ट्री गया। अगर इन 70 में से एक आदमी रिजाइन करता है तो केवल वो पोस्ट खाली होता है,
देखिए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री का अगर डेथ भी हो जाए तो भी मिनिस्ट्री कोलैप्स कर जाती है, सारे के सारे मिनिस्टर्स फिर से शपथ लेंगे। ये नहीं कि वो पहले ले चुके थे, नो, ये गिर चुका मिनिस्ट्री, और नया जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नया प्रधानमंत्री अपना लिस्ट देगा कि हमको ये मंत्री चाहिए। एक प्रधानमंत्री का डेथ या रेजिग्नेशन सारा गवर्नमेंट को गिरा देता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर का रेजिग्नेशन वो गवर्नमेंट को नहीं गिराता। और हाँ, एक पॉइंट और भी यहाँ बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में कई बार लोगों को गलती हो सकता है कि हम जैसा हम बताए कि प्रधानमंत्री जो होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड ही होल्ड्स ऑफिस टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब तक राष्ट्रपति चाहे। लेकिन हम उसमें क्वालिफाई किए थे इस बात को कि लेकिन असलियत ये है कि प्रधानमंत्री तब तक, अच्छा आप बोलेंगे कि असलियत क्यों है जब ऐसा लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन जब कुछ लिखेगा तो फिर रियलिटी कैसे बदल सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लिखता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। एक नया अब दिखा रहे हैं, ठीक, प्रधानमंत्री, हाँ तो मंत्री जो होता है ऐसे नहीं, जो प्रधानमंत्री लिखा नहीं लिखा, मंत्री लिखा, मंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं टू द प्लेजर। लेकिन एक भी लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, मतलब कि इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी अगर ये बोलेगे कि अच्छा काम नहीं चल रहा है तो उनको रिजाइन कर देना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इन रियलिटी जो है प्रधानमंत्री तब तक पोस्ट होल्ड करता है जब तक कि लोकसभा उसको चाहती होल्ड करे। इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री का पोस्ट 5 साल के लिए होल्ड नहीं किया जाता है। ये स्टूडेंट लोगों को बहुत बड़ा गलती होता है, प्रधानमंत्री का पोस्ट 5 साल के लिए नहीं होता है, राष्ट्रपति उसको 5 साल के लिए अपॉइंट करता है, जैसे कैग को 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट करते हैं, ठीक, लेकिन अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट किया जाता है तो इस बात पर ही डिपेंड करता है कि लोकसभा कब तक उसको सपोर्ट करती है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, ठीक। अगर पार्लियामेंट्री पार्टी, थोड़ा एग्जांपल ले, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी बीजेपी के, अभी वो तो मिला जुला करके 340 के आसपास पहुंच रहे हैं पूरा, और बीजेपी का खुद शायद 303 ना, अगर ये 303 लोग किसी दिन मीटिंग कर दे और बोले कि नहीं नरेंद्र मोदी नहीं अमित शाह प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो अमित शाह होंगे, प्रधानमंत्री का पद 5 साल का नहीं होता, होंगे, क्योंकि अब क्या होगा कि अब मोदी जी रिजाइन करेंगे, अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और यहाँ पर कन्वेंशन आएगा, कन्वेंशन में पास हो जाएगा, हो गया चेंज, वो 5 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री चेंज वैसे सारा सरकार चेंज, सब कुछ, सब फिर से शपथ लेना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट ओवर पीरियड के लिए क्या चीज, सेम पार्टी का रहता है लेफ्ट ओवर पीरियड में? हाँ, वो लेफ्ट ओवर मतलब नहीं केवल ये नहीं है, उसको लेफ्ट ओवर मतलब कि ऐसे तो डिसोल्यूशन हो जाएगा 5 साल में, तो वहां पर तो इलेक्शन होना ही होना है, लेकिन लेकिन अगर सोचिए पार्टी ही चेंज कर दीजिए, इसमें से बहुत सारे लोग टूट फूट के कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस शपथ लेगी। और लेफ्ट ओवर भी कभी कोई उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ही हो सकता है 5 साल के जगह 3 साल में हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व, ठीक, तो लोकसभा उस लोकसभा का कार्यकाल के लिए आप वैसे बोल लीजिए भले, लेकिन लोकसभा का ही तो 5 साल कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ रास्ता नहीं निकले तो फिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिसॉल्व ही कर दे, फिर से इलेक्शन होगा। इंडिया में हुआ है इस तरह का इलेक्शन, एक मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं हम लोग, मिड टर्म। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग, तो बाकी कुछ बात पढ़ा चुके हैं, वो उसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आते इधर में, अब ये क्या होता है, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक, आकांक्षा, तो क्या ये प्रेसिडेंट का पावर हुआ? नहीं। कैसे?
प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पर ही करेगा। जितना सारा अपॉइंटमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, कैग का दिखता है, सुप्रीम कोर्ट का दिखता है, जो भी दिखता है, सुप्रीम कोर्ट का केस थोड़ा फर्क है, उसको नहीं उठा रहे अभी, लेकिन या फिर फिनांस कमीशन, यूपीएससी, ये सब प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो करेगा, जैसा बोलेगा वैसा करेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया काम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा को समन करता है, लोकसभा को समन करता है, और लोकसभा राज्यसभा दोनों को, और उनको प्रोरोग करता है, मतलब कि सत्राहूत और सत्रावसान दोनों काम करता है। ठीक, और एडजर्नमेंट कौन करता है? अमर एडजर्नमेंट स्थगन, कोई भी चेयरपर्सन या तो स्पीकर चेयरपर्सन। तो जब प्रेसिडेंट बोलता है कि संसद का सत्र इस दिन से शुरू होगा, प्रेसिडेंट बोलता है, नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो रियलिटी में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर निकलेगा। और जब प्रोरोगेशन होगा, प्रोरोगेशन तो प्रोरोगेशन होगा वही प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर होगा, या फिर पांच साल से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर रहे हैं, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देता है तो वो ही प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर करता है। प्राइम मिनिस्टर कई बार बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो ये होते हैं, मतलब उनका एक्यूमेन जो होता है ना पॉलिटिकल, बड़ा हाई होता है, और वो कैलकुलेट करते हैं कि जनता का मूड कैसा है। कई बार लगता है कि चार साल में लगता है कि जनता का मूड बहुत अच्छा है, वोट मिल जाएगा, और उनको ये भी पता होता है कि छः महीने बाद जनता का मूड बदलने वाला है कई बार, क्योंकि कुछ इवेंट्स वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं होगा और मामला खराब होगा। तो वो ऐसा हालत में वो राष्ट्रपति को बोलते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो पाँच साल से पहले डिसॉल्व करना होगा। तो प्रधानमंत्री बोलेगा अगर, तो डिसॉल्व कर देगा। ठीक, वो ना नहीं कर सकता अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत है तो ना नहीं कर पाएगा, ठीक डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में हार के आ रहा है, उसका नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट पास हो गया, हार क्या रहा है, और अब प्रेसिडेंट को बोलेगा कि डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन से काम करेगा कि ये तो प्रधानमंत्री रहा नहीं, देखा जाए तो अब तो वो एडहॉक में चला आया है। ठीक, तो ये जो है ये प्रोविजन है। हम ऐसा करते हैं, क्लास रोक रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा हम एकदम फ्रेश शुरू करना चाह रहे हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा है।